खबर शेषईपुरा से है, जहां अखिल भारतीय गुर्जर महासभा के जिला अध्यक्ष देवी शंकर गुर्जर और जिला उपाध्यक्ष राम कुमार चींची के कार में बैठे दो अन्य लोग जो गुर्जर समाज के आंदोलन में शामिल होने ग्वालियर जा रहे थे, उन लोगों को शेषईपुरा पर पुलिस चेक पॉइंट बनाकर पुलिस प्रशासन ने रोक लिया। जिलाध्यक्ष देवी शंकर कहते नजर आए कि हम धारा 144 का पालन करते हुए सिर्फ चार लोग ही गाड़ी में सवार हैं और शांतिपूर्वक तरीके से ग्वालियर में गुर्जर समाज पर हो रहे अन्याय और झूठी एफआईआर के खिलाफ आवाज बुलंद करने जा रहे हैं। तभी पुलिस ने उन्हें आचार संहिता का हवाला देकर रोक लिया और थाने में ले जाकर शांति भंग की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया। नहीं सर, आपके कहने से हम तो पूरी गाड़ियों को सोपर छोड़ के आ गए ना, पांच आदमी को तो निकल गए। अध्यक्ष के नाते में पांच आदमी को लेकर जा रहा हूँ, ज्यादा तो है नहीं, वो तीन को लेकर जाएंगे। जो बात होगी उसको लोकतांत्रिक तरीका है, आचार संहिता लगी हुई है, आपके सभी किसी भी तरह का मजमा लग रहा है। सर सुपर का प्रतिनिधि कौन करेगा? सुपर से भी साथ में जाना चाहिए। पांच आदमी पहुँच जाएगा। और आचार संहिता लगी है, अब ये बिल्कुल सब लोग इसका पालन करो। नहीं वो तो पालन करेंगे, कोई बात नहीं, ये तो समाज का मुद्दा है। जी क्या नाम है आपका? राम कुमार गुर्जर, शेषईपुरा। क्या पद है सर आपका? जिला उपाध्यक्ष गुर्जर अखिल भारतीय गुर्जर महासभा से। क्या कहना चाहते हो सर, जो शेषईपुरा पर कार्रवाई की गई है, आप लोगों को रोक लिया गया, कहाँ जा रहे थे आप? हम ग्वालियर जा रहे थे, हमारे यहाँ जेल भरो आंदोलन चल रहा था गुर्जर समाज का, जो हमारे 700 लोगों पर 700 लोगों पर बिना बात के मामला दर्ज किया है। उनके खिलाफ हम लोग सब वहाँ इकट्ठे हो रहे थे, महापंचायत थी हमारी, वहाँ हम लोग जा रहे थे। यहाँ शेषईपुरा थाना प्रभारी या थाने में हमको रोक लिया गया है। क्या कहकर रोका आपको, क्या बोला है आपको रोकने के लिए? उनने कहा है कि हम आपकी बात वहाँ तक पहुँचा देंगे सरकार तक, ऐसे कह के हमको वहाँ रोका है जबरदस्ती। हम और हम ज़्यादा लोग नहीं थे, हम तो पांच लोग थे, पांच लोग लेकर मतलब अपने आचार संहिता का पालन करने के संग संग में हम पांच ही लोग वहाँ जा रहे थे और सोपोर जिले से कोई भी व्यक्ति वहाँ नहीं पहुँचा है। इस वजह से जिलाध्यक्ष और जिला उपाध्यक्ष की हैसियत से हम लोग वहाँ जा रहे थे। क्या प्रमुख मांग है सर आपकी, क्या चाहते हो इसमें? सबसे बड़ी मांग तो ये, हमारे 700 लोगों पर FIR दर्ज कराई है फर्जी तरीके से, वो वापस ले सरकार। और हमारी जो मांग है 27% आरक्षण, और बिना बात के कई जगहों पर हमारे गुर्जर माहिर भोज की जो प्रतिमा है उस पर टीन हटाने की जो मांग चल हमारे गुर्जर समाज की लंबे समय से चली आ रही है, उसको उसकी वजह से हमने आंदोलन और कई बार सरकार के पक्ष में वो भी दिया है हमने। यदि आपकी मांगें पूरी नहीं होती हैं, अगला कदम क्या रहेगा? अगला कदम ये रहेगा हमारा कि हम सरकार ही बदल देंगे, सरकार ही बदल देंगे। और यहाँ नहीं, पूरे भारत में पूरा गुर्जर एक है, पूरे भारत के गुर्जरों पर का बीजेपी पार्टी पर इसका असर पड़ेगा।